गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, टुडे वी विल कंटिन्यू एक्सरसाइज 9.4। यस्टरडे वी हैव कंप्लीट टू क्वेश्चंस। होप यू हैव डन योर होमवर्क। कल हमने बेटा थ्री ऑपरेशंस को कवर किया था, एडिशन ऑफ मैट्रिक मेजर्स, सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक मेजर्स एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक मेजर्स। फोर्थ ऑपरेशन डिवीजन ऑफ मैट्रिक मेजर्स को हम आज कवर करेंगे। इससे पहले हम थर्ड क्वेश्चन को करेंगे, बिकॉज थर्ड क्वेश्चन बेसिक इस पर मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक मेजर्स पर। ए पार्ट क्या है, 6 किलोमीटर, 5 हेक्टोमीटर, 3 डेकामीटर, 4 मीटर बाय 12। अब हमें कंप्लीट की मल्टीप्लाई करनी है किसके साथ, 12 के साथ। इससे पहले हम जो हमें यूनिट प्रीफिक्सेस गिवन हैं इनको हम डेसिमल के अंदर कन्वर्ट कर लेंगे। यहाँ देखो, 6 किलोमीटर, 5 हेक्टोमीटर, 3 डेकामीटर, 4 मीटर बाय 12। हम कंप्लीट को किलोमीटर के अंदर कन्वर्ट करते हैं। किलोमीटर के अंदर कन्वर्ट कैसे करेंगे हम, किलोमीटर कितना है 6 किलोमीटर के बाद हम पॉइंट का यूज कर लेंगे, 6 पॉइंट, और बाकी नंबर को हम एज इट इज राइट कर देंगे, 5, 3, 4। अब मल्टीप्लाई किसके साथ कर देंगे, 12 के साथ। जैसे हम मल्टीप्लाई करते हैं सेम उसी तरह मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने के लिए हम जो डेसिमल होता है डेसिमल को पहले क्या कर देते हैं, इग्नोर, और देन मल्टीप्लाई करते हैं। हम यहाँ पर इग्नोर कर देते हैं डेसिमल को और मल्टीप्लाई करते हैं। 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, 2 5 जा 10, कैरी 1, 2 6 जा 12, +1 13। मल्टीप्लाई क्रॉस 1 के साथ करेंगे तो क्या आएगा, सेम नंबर आएगा, 3 5 6। अब ऐड करेंगे, 8 6 + 4 10, 1 कैरी, 1 + 3 4, 3 + 5 8, 1 + 6 7। अब हमारा कितना नंबर आ गया, 78,408। अब हमें लगाना है डेसिमल, डेसिमल कहाँ पर आएगा, हम यहाँ पर चेक करते हैं कितने डिजिट से पहले डेसिमल है, 1 2 3। राइट साइड से हम 3 डिजिट से पहले डेसिमल लगा देंगे अपने प्रोडक्ट के अंदर, 1 2 3। 4 से पहले क्या आ जाएगा, डेसिमल। अब कितना आंसर होगा हमारा, 78.408। अब हमें वापस से इनको जो यूनिट प्रीफिक्सेस गिवन है इनके अंदर राइट करना है। 78 क्या हो जाएगा, ये डेसिमल से पहले का नंबर है, डेसिमल से पहले का नंबर हमने किस में लिया था, किलोमीटर के अंदर, तो 78 क्या हो जाएगा, किलोमीटर। ओके, अब किलोमीटर के बाद किस में है नंबर, हेक्टोमीटर में, 4 क्या हो जाएगा, हेक्टोमीटर। नेक्स्ट क्या है, 0, अब 0 क्या होगा, डेकामीटर, 0 डेकामीटर है, तो इट मीन्स हम इसको राइट नहीं करेंगे। ओके, अगर आप राइट करना चाहो तो कर भी सकते हैं, डेकामीटर। नेक्स्ट क्या आएगा, मीटर, मीटर कितना आ जाएगा अब, 8 मीटर। ओके, अब इसको आप हटा भी सकते हैं, 78 किलोमीटर, 4 हेक्टोमीटर एंड 8 मीटर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं, बी पार्ट, क्या 25 मीटर 15 सेंटीमीटर बाय 9। अब 25 मीटर और सेंटीमीटर के अंदर गिवन है, हम मीटर के अंदर कन्वर्ट कर लेंगे, मीटर के अंदर कन्वर्ट कर लेंगे तो 25 के बाद क्या आ जाएगा, डॉट आ जाएगा, डॉट आ जाएगा 0.15, 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके, जैसे हमने ए पार्ट के अंदर किया है, सेम उसी तरह हम डी पार्ट के अंदर करेंगे। सी पार्ट को हम करते हैं, 57 किलोग्राम 275 ग्राम बाय 13। अब कंप्लीट को हम किलोग्राम के अंदर कन्वर्ट करते हैं। ओके, किलोग्राम के अंदर कन्वर्ट करेंगे क्या आ जाएगा, 57 किलोग्राम के बाद 0.275, और ये किस में आ जाएगा, किलोग्राम के अंदर। ओके, अब मल्टीप्लाई कर देंगे हम 13 के साथ। अब यहाँ पर भी जब हमने कन्वर्ट किया था तो यहाँ किलोमीटर आ जाएगा, ये भी किलोमीटर है, और ये मल्टीप्लाई किस में आ जाएगी, किलोमीटर के अंदर। ओके, अब हम मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो पहले डेसिमल को इग्नोर कर देंगे, 5, 7, 2, 7, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 13 के साथ, 3, 5 जा 15, 1 कैरी, 3, 7 जा 21, 21 + 1 = 22, 2 कैरी, 3, 2 जा 6, 6 + 2 = 8, 3, 7 जा 21, 2 कैरी, 3, 5 जा 15, 15 + 2 = 17। यहाँ क्रॉस 1 के साथ करेंगे तो सेम नंबर आ जाएगा, 7, 2, 7, 5। अब इनको हम ऐड करेंगे, 5, 2 + 5 = 7,
8 plus 7, 15, 1 carry, 1 plus 1, 2, 2 plus 2, 4, 7 plus 7, 14, 1 carry, 1 plus 1, 2, 2 plus 5, 7. अब ये किस में आएगा हमारा? क्या यूनिट थी? किलोग्राम. अब मेन पॉइंट क्या है डेसिमल का? यहाँ पर डेसिमल कितने डिजिट से पहले है? 3 डिजिट से पहले. तो हम अपने प्रोडक्ट के अंदर भी राइट साइड से 3 डिजिट को काउंट करेंगे. 1, 2, 3, 3 डिजिट से पहले पॉइंट आ जाएगा. ओके, अब जो पॉइंट पॉइंट से पहले यूनिट कौन सी आएगी? किलोग्राम. 744 किलोग्राम. एंड देन कौन सी यूनिट है? ग्राम. 575 ग्राम. ये हमारा आंसर हो जाएगा. ओके, बी और डी पार्ट आपको खुद से ट्राई करने हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा डिवीजन ऑफ मैट्रिक बेस ऑपरेशन को यूज करना हमें. उससे पहले हम डिवीजन ऑफ मैट्रिक मेजर स्केल कुछ एग्जांपल्स करते हैं. नाउ डिवीजन ऑफ मैट्रिक मेजर्स, फॉर एग्जांपल डिवाइड 19 मीटर 20 सेंटीमीटर बाय 6. 19 मीटर 20 सेंटीमीटर को हमने डिवाइड करना है किससे? 6 से. अब या तो इस कंप्लीट को मीटर के अंदर कन्वर्ट कर लो या फिर कंप्लीट को सेंटीमीटर के अंदर कन्वर्ट कर लो. ओके, अगर हम मीटर के अंदर कन्वर्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा? मीटर के बाद पॉइंट आ जाएगा और सेंटीमीटर एज इट इज आ जाएगा. अब ये कितना हो गया? मीटर में. और डिवाइड करना है किस किस से? 6 से. अगर हमें इसी को सेंटीमीटर के अंदर कन्वर्ट करना है तो सेंटीमीटर कहाँ पर है? 20 सेंटीमीटर. 20 के बाद क्या आ जाएगा? पॉइंट. मीन्स 90, 20. अब 20 के बाद पॉइंट लगाए या ना लगाए, नंबर क्या रहेगा? सेम ही, एज इट इज भी रह सकता है. ओके, 1920 सेंटीमीटर. अगर आप इसी नंबर को सेंटीमीटर के अंदर कन्वर्ट करोगे तो सेंटीमीटर के बाद पॉइंट आएगा. ओके, मीन्स 20 के बाद पॉइंट आएगा और 20 के बाद लास्ट में पॉइंट का कोई मीनिंग नहीं होता. ओके, नंबर कितना रह जाएगा? 1920. अब इसको मीटर के अंदर कन्वर्ट करना है तो 19 के बाद क्या आ जाएगा? डेसिमल. और 20 एज इट इज और यूनिट को कौन सी आ जाएगी? मीटर. ओके, 19.20 को हमने अब डिवाइड करना है 6 से. जैसे हमने डेसिमल चैप्टर के अंदर डिवीजन किया था सेम उसी तरह हम डिवाइड करेंगे. 6 थ्री जा 18, सब्ट्रैक्ट करेंगे 1. अब नेक्स्ट क्या आता है? पॉइंट. पॉइंट डायरेक्ट कहाँ चला जाता है? हमारा क्वेश्चन के अंदर. ओके, अब नेक्स्ट प्लेस क्या आएगा? 2 को हम ब्रिंग डाउन करेंगे. 6 2 जा 12, रिमाइंडर कितना रह गया? 0. अब नेक्स्ट कौन सा प्लेस आएगा? 0. 6 कहां पर जाएगा? अब 0 पर जाएगा. 0 पर जाएगा तो 0. ओके, अब कितना आंसर आ गया हमारा? 3.0. यूनिट कौन सी आएगी यहां पर? मीटर आएगी. अब हमें अपने दोनों यूनिट के अंदर अपने आंसर को राइट करना है. दोनों यूनिट के अंदर कैसे राइट करेंगे? हमें पता जो डॉट है डेसिमल, डेसिमल से पहले का नंबर किस में था? मीटर के अंदर. तो 3 क्या हो जाएगा यहाँ पर? मीटर. और 20 क्या हो जाएगा यहाँ पर? सेंटीमीटर. 20 सेंटीमीटर. ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 4 में चलते हैं. फाइंड द क्वेश्चंस इन ईच ऑफ द फॉलोइंग. ए पार्ट के 9 किलोमीटर, 5 हेक्टोमीटर, 6 डेकामीटर, 4 मीटर को डिवाइड करना है किससे? 12 से. यहाँ पर हम इसको कंप्लीट को किलोमीटर के अंदर कन्वर्ट कर लेंगे. आप चाहो तो इसको मीटर के अंदर भी कन्वर्ट कर सकते हैं. ओके, अब हम किलोमीटर के अंदर कन्वर्ट करेंगे तो 9 के बाद क्या आ जाएगा? पॉइंट. और बाकी सेम आ जाएगा. क्या आ जाएगा यहाँ पर? किलोमीटर. और डिवाइड करेंगे 12 से. अब इसी को अगर आप मीटर के अंदर कन्वर्ट करना चाहो तो क्या आ जाएगा? 9564 मीटर के बाद पॉइंट आएगा. यहाँ पर बाद में पॉइंट का कोई मीनिंग नहीं होता. इसको हम डिवाइड कर देंगे 12 से. यूनिट कौन सी आएगी यहाँ पर? मीटर. ओके, अब यहाँ पर हम करते हैं किलोमीटर को लेकर चल. दोनों में से किसी से भी आप क्वेश्चन को कर सकते हैं. 64 को हम डिवाइड करेंगे किससे? 12 से. ओके, अब यहाँ पर कितना है? 9. 12 कितने पर जाएगा? 0 पर. 0 0, सब्ट्रैक्ट किया कितना आ गया? 9. ओके, नेक्स्ट क्या था? अब डेसिमल. डेसिमल डायरेक्ट क्वेश्चन के अंदर चला जाएगा. नेक्स्ट प्लेस कौन सा आएगा? 5. ओके, 12 7 जा 84, सब्ट्रैक्ट करेंगे. 5 में से 4 को सब्ट्रैक्ट किया 1, 9 में से 8 को सब्ट्रैक्ट किया 1. नेक्स्ट प्लेस को हम ब्रिंग डाउन करेंगे 6. 12 9 जा कितना होता है? 108. अब सब्ट्रैक्ट करेंगे हम 16 में से 8 को सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना आएगा? 8. ओके,
नेक्स्ट को हम ब्रेक डाउन करेंगे 4 को. 12 7 जा कितना होता है 84, रिमाइंडर कितना आ गया 0. ओके, अब हमारा जो कोसेंट आया 0.797 किस में आएगा, ये किलोमीटर के अंदर. ओके, बिकॉज यूनिट किस में चल रही है हमारी, किलोमीटर के अंदर. अब किलोमीटर कहाँ होता है, जो हमारा पॉइंट है, पॉइंट से पहले वाला नंबर किलोमीटर आएगा. मीन्स यहाँ पर कितने किलोमीटर हैं, 0 किलोमीटर. ओके, किलोमीटर के देन क्या है, हेक्टोमीटर. नेक्स्ट नंबर क्या है, 7. 7 क्या आ जाएगा, हेक्टोमीटर. 9 क्या आ जाएगा, डेकामीटर. 9 डेकामीटर. और लास्ट में क्या है, मीटर. मीटर कितना है, 7. 7 मीटर. अब हम यहाँ पर किलोमीटर को स्किप कर सकते हैं. स्किप करेंगे तो क्या राइट करेंगे, 7 हेक्टोमीटर, 9 डेकामीटर एंड 7 मीटर. ये हमारा क्या आ जाएगा, आंसर. ओके, अब इसी को हम मीटर के अंदर कन्वर्ट करके करते हैं. दोनों मेथड से हम करेंगे. मीटर के अंदर कन्वर्ट किया तो कितना आया था, 9564 को डिवाइड करते हैं किससे, 12 से. ओके, 9 7 जा 84 11. ओके, नेक्स्ट 6 को हमने प्लेस किया, 12 9 जा 108, सब्ट्रैक्ट किया तो कितना आ गया, 8. नेक्स्ट को हमने ब्रिंग डाउन किया, 4 12 7 जा 84, रिमाइंडर 0. अब हमारा क्वेश्चन कितना आया है, 797, और यूनिट कौन सी आएगी, मीटर. ओके, अब हम कंप्लीट को, कंप्लीट जितने भी प्रीफिक्सेस को यूज किया सभी के अंदर राइट करना. तो हम यहाँ पर सबसे लास्ट से लिखना स्टार्ट करेंगे. लास्ट में क्या, 7. 7 क्या आ जाएगा, मीटर. मीटर से पहले कौन सी है, डेकामीटर. 9 क्या आ जाएगा, डेकामीटर. डेकामीटर से पहले क्या आएगा, हेक्टोमीटर. 7 क्या आ जाएगा, हेक्टोमीटर. अब किलोमीटर तो है ही नहीं यहाँ पर, इट मीन्स किलोमीटर यहाँ पर कितना आया था, 0. 0 क्या हो जाएगा, किलोमीटर. ये हमारा आंसर हो जाएगा. ओके, नेक्स्ट हम करते हैं सी पार्ट. 9 ग्राम 6 डेसीग्राम 5 सेंटीग्राम एंड 1 मिलीग्राम को डिवाइड करना 7 से. हम ग्राम के अंदर कन्वर्ट कर लेंगे तो 9.651 ग्राम को हम डिवाइड करेंगे 7 से. 7 1 जा 7, सब्ट्रैक्ट किया 2. नेक्स्ट पॉइंट, पॉइंट को हम डायरेक्ट क्वेश्चन के अंदर पुट कर देंगे. नेक्स्ट हम 6 को ब्रिंग डाउन करेंगे. 7 3 जा 21, रिमाइंडर कितना आ गया, 5. नेक्स्ट 5 को हमने ब्रिंग डाउन किया. 7 7 जा 49, रिमाइंडर कितना आ गया, 6. नेक्स्ट हमने ब्रिंग डाउन किया किसको, 1 को. 7 8 जा 56. ओके, अब यहाँ पर रिमाइंडर कितना आ गया, 5. मीन्स यहाँ पर रिमाइंडर बच रहा. अब हमें देखना है अपने क्वेश्चन के अंदर 1.3781 क्या हो जाएगा यहाँ पर, ग्राम. 3 नेक्स्ट क्या है, डेसीग्राम. 3 डेसीग्राम. 7 क्या आ जाएगा, सेंटीग्राम. और 8 मिलीग्राम. ओके, ये हमारा आंसर हो जाएगा. नाउ क्वेश्चन नंबर 5, सोल्व द वर्ड प्रॉब्लम्स. अब हमारे क्वेश्चन वर्ड प्रॉब्लम्स के हैं, इनको हमें सोल्व करना है. ए पार्ट क्या है, आकाश ट्रेवल्ड 1224 किलोमीटर एंड 327 मीटर. आकाश ने ट्रेवल किया 1224 किलोमीटर एंड 327 मीटर. रूही ट्रेवल्ड, रूही ने ट्रेवल किया 924 किलोमीटर एंड 28 मीटर. एंड पारुल ट्रेवल्ड, पारुल ने ट्रेवल किया 2498 किलोमीटर एंड 370 मीटर. फाइंड द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय देम. हमें टोटल डिस्टेंस फाइंड करना है जो तीनों ने ट्रैवल किया. टोटल डिस्टेंस फाइंड करेंगे तो हम तीनों को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे. ओके, आकाश ने ट्रैवल किया, रूही ने ट्रैवल किया एंड पारू ने ट्रैवल किया. तो हमें टोटल डिस्टेंस फाइंड करना है तो तीनों को क्या कर देंगे हम, ऐड. किलोमीटर को किलोमीटर के अंदर, मीटर को मीटर के अंदर. इसके अंदर ऑपरेशन लग जाएगा हमारा एडिशन ऑफ मैट्रिक मेजर्स. अब हम ऐड करेंगे, 7 + 8 15, 1 कैरी, 1 + 2 3, 3 + 2 5, 5 + 7 12, 1 कैरी, 1 + 3 4, 4 + 3 7. यूनिट कौन सी है यहाँ पर, मीटर. ओके, देन 4 + 4 8, 8 + 8 16, 1 कैरी, 1 + 2 3, 3 + 2 5, 5 + 9 14, 1 कैरी, 1 + 2 3, 3 + 9 12, 12 + 4 16, 1 कैरी, 1 + 1 2, 2 + 2 4. यूनिट कौन सी आएगी यहाँ पर, किलोमीटर. टोटल कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया,
4646 किलोमीटर एंड 725 मीटर. ओके, नेक्स्ट के हैं बी पार्ट. मैक्स फील्ड 7 बॉटल्स ऑफ 500 मिलीलीटर कैपेसिटी विद वाटर. मैक्स ने 7 बॉटल्स को फिल किया और बोतल की कैपेसिटी कितनी है 500 मिलीलीटर. ओके, हाउ मच वाटर डू ऑल बॉटल्स कंटेन. तो हमें बताना है कि जो 7 बॉटल्स के अंदर मैक्स को फिल करना है वाटर, कि सभी बॉटल्स कितने वाटर को कंटेन करेंगी. ओके, हमें टोटल वाटर बताना है 7 बॉटल्स के अंदर कितना आएगा, जबकि ईच बॉटल की कैपेसिटी कितनी है 500 मिलीलीटर. अब हमें बताना किसके लिए, 7 के लिए, तो हम 7 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे. 1 बॉटल की कैपेसिटी कितनी है 500 मिलीलीटर. 7 बॉटल्स की कैपेसिटी हमें बतानी है, तो 7 से हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे. तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ऑल बॉटल्स कंटेन वाटर. मल्टीप्लाई करेंगे हम 500 की 7 के साथ. 700 75 जा 35. ओके, यूनिट कौन सी आ जाएगी, मिलीलीटर. टोटल कैपेसिटी कितनी होगी 3500 मिलीलीटर. अब इसी को हम कन्वर्ट कर सकते हैं लीटर और मिलीलीटर के अंदर. यहाँ से 3 तो क्या हो जाएगा, लीटर, और 500 मिलीलीटर. ओके, बिकॉज 1 लीटर किसके इक्वल होता है 1000 मिलीलीटर के इक्वल. ओके, और यहाँ कितना है 305 मिलीलीटर. इसको हम राइट कर सकते हैं 3000 प्लस ml प्लस 500 ml. ओके, 3000 को हम मल्टीप्लाई कर 3 × 1000 ऐसे राइट कर सकते हैं, प्लस 500 ml. अब यहाँ 1000 ml किसके इक्वल है 1 लीटर के, तो यहाँ कितना आ गया 3 लीटर, और कितने ml है 500 ml. ओके, यही तो हमने राइट किया है. ओके, नेक्स्ट क्या सी पार्ट. मीरा बोट 224 मीटर 24 सेंटीमीटर ऑफ क्लोथ. मीरा ने कितना कपड़ा खरीदा, 224 मीटर एंड 24 सेंटीमीटर. ओके, सी गेव 104 मीटर 17 सेंटीमीटर टू श्वेता. श्वेता को कितना दिया, 104 मीटर एंड 17 सेंटीमीटर, 27 मीटर 54 सेंटीमीटर उसने खुशी को दिया. हाउ मच क्लोथ इज लेफ्ट विद हर. हमें बताना है कि मीरा के पास अब कितना क्लोथ लेफ्ट रह गया, मीन्स जो उसने श्वेता और खुशी को दिया है उसको हम ऐड कर लेंगे, और जो मीरा के पास है उसमें से हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे. तो हमारे पास क्या आ जाएगा, जो क्लोथ मीरा के पास लेफ्ट है हम किसको ऐड करेंगे, श्वेता को जो क्लोथ दिया है और खुशी को जो क्लोथ दिया, दोनों को ऐड कर देंगे और मीरा के क्लोथ में से हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे. टोटल क्लोथ कितना है यहाँ पर, अब यहाँ इतना श्वेता को दिया, खुशी को दिया, अब श्वेता और खुशी दोनों को हम ऐड कर देंगे और फिर टोटल में से हम इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे. ऐड करेंगे तो 7 × 4 = 11, 1 कैरी, 1 + 1 = 2, 2 + 5 = 7, यूनिट क्या थी सेंटीमीटर. 4 + 7 = 11, 1 कैरी, 1 + 2 = 3, 1 यूनिट क्या है मीटर. अब श्वेता और खुशी को कितना क्लोथ दिया गया, 131 मीटर एंड 71 सेंटीमीटर. अब इसको हम टोटल में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, टोटल कितना 224 मीटर 24 सेंटीमीटर में से हम सब्ट्रैक्ट करेंगे 131 मीटर एंड 71 सेंटीमीटर को. ओके, अब यहाँ पर जो नीचे हमारा नंबर है सेंटीमीटर के अंदर, इसको हम 24 से तो सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, मीन्स हमें क्या चाहिए, ऊपर बड़ा नंबर. अब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, 4 में से 1 को सब्ट्रैक्ट किया 3, नेक्स्ट क्या है यहाँ पर 2, यहाँ क्या लेंगे हम 1 मोर, यहाँ से 1 लिया तो यहाँ कितना रह गया 3, यहाँ कितना हो गया 12, 12 में से 7 को सब्ट्रैक्ट किया तो कितना आ गया 5, और यूनिट कौन सी है यहाँ पर सेंटीमीटर. नेक्स्ट यहाँ पर कितना है 3, 3 में से 1 को सब्ट्रैक्ट किया 2, यहाँ पर कितना 2, यहाँ से लेंगे 1 मोर, यहाँ 1 रह जाएगा, यहाँ पर 12 हो जाएगा, 12 में से 3 को सब्ट्रैक्ट किया 9, यूनिट कौन सी है मीटर. अब मीरा के पास कितना क्लोथ लेफ्ट रह गया, 92 मीटर एंड 53 सेंटीमीटर. ओके, नेक्स्ट लास्ट पार्ट क्या है. रोन एंड हैड 15.435 किलोग्राम ऑफ स्वीट्स. सी डिस्ट्रीब्यूटेड इट अमंग 5 फ्रेंड्स इक्वली. हाउ मच डिड सी इच. रोन के पास कितनी स्वीट्स है 15.435 किलोग्राम, और उसने अपने 5 फ्रेंड्स के अंदर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दी, तो इसको कितनी स्वीट्स मिली. हम क्या कर देंगे, इसको 5 से डिवाइड. ओके, 5 से डिवाइड करेंगे,
5 से हम डिवाइड करेंगे। डिवाइड करने के बाद हमारा क्वेश्चन कितना है, 3.087। ईच गेट स्वीट्स, ईच को कितना मिला, 3.087 किलोग्राम। ओके, सो 9.4 एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट हो गई बेटा। यहाँ तक आपको अपनी फेयर नोटबुक के अंदर सभी क्वेश्चंस को सोल्व करके राइट करना है। ओके।